नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। यूं तो केंद्र और राज्य सरकार सड़कों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, चाहे वो ग्रामीण सड़क योजना हो या शहरी विकासकरण से जुड़ी कोई भी योजना। लेकिन कांकेर जिले की सड़कों को देखकर ऐसा लगता है कि अब सड़कों की तरह प्रशासन के वादे भी खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकांश वार्डों में सीसी सड़क का निर्माण हाल ही में किया गया है, लेकिन बारिश आते ही सीसी सड़क निर्माण की पोल खुल गई है। बारिश से ज्यादातर सड़कों के परखच्चे उड़ गए हैं। सीसी रोड से गिट्टी निकलना शुरू हो गई है। नगर पालिका के साथ अन्य जिम्मेदार विभागों की तरफ से इन सड़कों का मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाना था, लेकिन नवनिर्मित सड़क तो दूर, पुराने जर्जर हो चुके सड़कों का सालों से मेंटेनेंस नहीं किया गया है, जिससे राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर के यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क को सुरक्षित रखने के लिए शहर के बाहर नंदन मारा से सिंगार भाट तक बाईपास सड़क निर्माण करने की योजना बनाई गई, लेकिन पुल निर्माण कार्य के अटक जाने पर 4 साल बाद भी सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद पुराना बस स्टैंड तक सड़क का निर्माण कार्य तो करवाया, लेकिन अच्छी गुणवत्ता का ध्यान न रखने से सड़कों की हालत खराब हो गई, जिस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं। कांग्रेस सरकार आई है, आप सब देख रहे हैं, चारों तरफ विकास कार्य ठप हैं। जो काम पहले जो हो रहे थे वो भी काम ठप पड़े हुए हैं, रोड पूरे गड्ढे हुए हैं। इससे पहले चौहान साहब कलेक्टर साहब थे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग लगातार उनसे जाके मिले। उन्होंने कहा कि बस 10 दिन में रोड चालू करा रहा हूँ, और 10 दिन करते ही करते आज 2 साल 1.5 साल हो गए। सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है, जितने भी निर्माण कार्य सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। आज जो बाईपास बन जाता तो कांकेर शहर की जो स्थिति थी, या कांकेर से जो हाईवे में जो गाड़ियाँ जा रही हैं कम से कम बाईपास से जाती। इसी सड़क आप सब लोग देख रहे हैं, आप सभी मीडिया वाले आप सब देख रहे हैं कि रोड किस निम्न स्तर का बना हुआ है, उसमें डामर डाल डालकर रोड को छुपाया जा रहा है। और रोड बहुत गलत तरीके से, कोई मापदंड नहीं है, रोड गलत तरीके से बना है और उसमें डामर डालकर उस रोड को रिपेयरिंग किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है ना हमारा मेन कांकेर में, वो सड़क का मुद्दा हर बार उठता है। हर नेता आके बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस बार शहर के अंदर जो सड़क बनी है वो तो यानी बताओ, यानी बने अभी 8-9 महीना भी नहीं हुआ है और सड़क की इतनी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि बिल्कुल उखड़ना चालू हो गया। ऐसा लग रहा है कि वर्षों पुरानी सड़क है। और दूसरी बात रही बात बाईपास भी बने करीब मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गया है, लेकिन वो भी अधूरी है। अगर बाईपास कम्प्लीट हो जाए और जो गाड़ियाँ हैवी गाड़ियाँ जो गिट्टी से भरी रहती हैं, जो 40-50 टन लेकर लोड लेकर निकलती हैं, अगर उसको शहर से बाहर से ले जाया जाए तो जो शहर का मुद्दा है यानी खास करके जो सड़क का मुद्दा है वो टोटल ख़त्म हो जाएगा। कुछ वर्ष पहले हमारे शहर के युवाओं और जनता के द्वारा कांकेर के शहर के मुख्य सड़क के चौड़ीकरण की मांग के लेकर लंबा एक आंदोलन चला था, जिसके अनुरूप अभी मौजूदा सरकार ने कदम तो उठाए सड़क निर्माण के लिए, और चौड़ीकरण तो जिस हिसाब से चौड़ीकरण चाहती थी जनता उस हिसाब से चौड़ीकरण नहीं हुआ है। सड़क का निर्माण किया गया है, जो डामर वाले सड़क थे उस पर सीसी सड़क बनाया गया है, लेकिन जैसा जनता चाह रही थी और जो आंदोलनकारी चाह रहे थे उस तरीके से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा असंतोष है। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि अभी चौड़ीकरण का कार्य और बाकी है, तो लेकिन ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सीसी सड़क बन चुकी है और दोनों तरफ नाले हैं। बहुत जल्द जो है हमारे जिला वासियों को जो है एक दौड़ती हुई लाइफलाइन मिलने वाली है, और इसका जो पूरा श्रेय जाता है हमारे स्थानीय विधायक माननीय शिशुपाल सोरी जी एवं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय बड़े भैया राजेश तिवारी जी को, इनकी लगातार सतत निगरानी में जो पिछले 2-2.5 साल से पेंडिंग था और कई ठेकेदार जो है आए और काम छोड़कर चले गए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नेता हैं भूपेश बघेल जी के अथक प्रयास से और उनकी डायरेक्ट हस्तक्षेप से जो है आज कुछ ही महीनों में नहीं कुछ ही दिनों में जो है एक अच्छी सड़क
हमारे जिला वासियों को मिल रही है, जिसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत आभार। कांकेर बाईपास का निर्माण कार्य होना है, इसको NH के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इसमें लगातार मॉनिटरिंग की गई। अभी वर्तमान में कुछ दिक्कतें हैं, बारिश का भी सीजन था, बीच में कोविड था और ठेकेदार इसमें अभी रुचि नहीं ले रहे थे, तो उसको नोटिस जारी किया गया है। तो शीघ्र हमारा प्रयास रहेगा कि इस रोड को हम पूरा कराएं। और जो सड़क की बात है, शहर के बीच से जो गुजर रही है, उसके गुणवत्ता की बात आई है, उसका भी अभी हमारे पास में SDPG जमा है। इस कार्य को भी NH के द्वारा कराया गया है, किंतु जब ये निर्माण कार्य हो रहा था शायद उस वक्त उतनी सावधानियां नहीं बरती गई होगी, तभी वहां पे आज उसके ऊपरी कोर्ट में हल्का सा कुछ प्रॉब्लम आया है, वो संबंधित एजेंसी को बताया गया है, वो अभी ठीक कराएंगे। कांकेर की यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए शहर से बाहर गढ़ पिछवाड़ी से लेकर माकड़ी के बीच बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है, पर यह सड़क निर्माण कार्य पिछले 4 साल से अधूरा लटका हुआ है, क्योंकि इसमें 2 पुल निर्माण किया जाना है, पर दोनों इन पुल निर्माण का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। शहरवासियों का कहना है कि अगर दोनों पुल निर्माण कार्य पूरा हो जाते हैं और सड़क बनता है तो शहर के भीतर यातायात दबाव काफ़ी कम हो सकता है, पर यह पुल निर्माण ना होने के कारण शहरवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के भीतर सड़क निर्माण की व्यवस्था को सुधार करने के लिए CC सड़क निर्माण कार्य किया गया, पर वह CC सड़क भी उखड़ने लगा है, जिसके बाद विभाग द्वारा उसके ऊपर डामर बिछाया जा रहा है। यह कहीं कहीं प्रशासन की लापरवाही दर्शाता है, जिसकी वजह से CC सड़क के ऊपर डामर बिछाना पड़ रहा है। MKN न्यूज से मौसम साहू, कांकेर। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतर्गत आने वाले गांव की, जहां पर नांदनमारा से सिंगार भाट तक बाईपास की सड़क का निर्माण होना था, लेकिन 4 से 5 साल का समय बीत चुका है, आज तक यहां बाईपास की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। दूसरी तरफ सड़क से आने वाले जो लोग हैं वो शहरी सड़क का उपयोग करते हैं, जिसके चलते वो सड़क भी अब खराब होती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मौसम साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार यहां पर सड़क को लेकर जो वहां के शहरी विकास के लोग हैं वो अब परेशान नजर आ रहे हैं। जब आप वहां पर गए, आपकी किससे बात हुई, सड़क का क्या कुछ नजारा आपके सामने वहां दिखाई दिया? जी मौसम, जी मैं बताना चाहूंगा कि कांकेर शहर में लगभग 4 साल पहले बाईपास सड़क का निर्माण चालू हुआ था, पर वो सड़क अभी भी अटका हुआ है। वहाँ 2 पुल निर्माण होना है, उसमें कहा जाता है कि ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए। वहीं शहर के भीतर हमेशा सड़क खराब होता जा रहा था, इसमें कई बार लगातार प्रदर्शन किया गया, यहाँ विधायक द्वारा भी यहाँ लगभग झाड़ू लगाया गया था, उसके बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ और CC सड़क निर्माण हुआ है यहाँ पे, पर वो भी इतना घटिया तरीके से हुआ है कि उसके ऊपर डामर बिछाना पड़ रहा है जी। और सड़क में डामर बिछ रहा है, उसके बाद भी वो भी नहीं टिक पा रहा है। इसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर पालिका घेराव किया गया है और प्रदर्शन किया गया है, वहीं 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद दोबारा घेराव करने की बात कही गई है, अब उसी का इंतजार किया जा रहा है जी। मौसम साहू, पुल का भी यहाँ पर निर्माण होना था, लेकिन पुल का भी निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते यहाँ पर जनता जो है और जो यात्री है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे पुल बन जाता है तो शहर की जो सड़कें हैं वो बच सकती हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एस्टीमेट बनना था, मतलब एस्टीमेट देना था उनको, वो अब तक नहीं दे पाए हैं। कहा जाता है कि अब तक एस्टीमेट उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, ठेकेदार द्वारा तैयार नहीं करवाया गया है, इसकी वजह से पुल निर्माण कार्य अभी अधूरा पे लटका हुआ है। वहीं अगर पुल बन जाता है और सड़क बन जाती है, जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो सब बाईपास से होते हुए शहर से बाहर से जाएगी, इससे काफी तरह से मतलब सुरक्षित महसूस करेंगे शहरवासी, उनको यातायात में काफी राहत मिलेगा जी। तमाम भी वहाँ के जो व्यापारी हैं या फिर वहाँ की जो जनता है, उनसे बात करने की कोशिश की आपने, क्या कुछ समस्या उनको उठानी पड़ती है? जी व्यापारियों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी जो सड़क बना है वो काफी ऊपर तक बना दिया गया है, इसकी वजह से दुकानों में पानी भरने की समस्या बनी हुई। वहीं सड़क न बनने से पहले वहाँ रोजाना धूल उड़ता था, इससे दमा ऐसी कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा था शहरवासियों को। उसके बाद काफी प्रदर्शन किया गया, तब कहीं जाकर यहाँ सड़क का निर्माण हो पाया है, पर वो सड़क इतनी घटिया है कि दुकानों से काफी ऊपर लेयर तक आ चुका है, इसकी वजह से व्यापारी अभी भी हताश है। और उनका कहना है कि व्यापार जो होना था, एक्चुअल कोरोना की वजह से जितना व्यापार घटा है उतना ही ये सड़क की वजह से भी उनका व्यापार घट गया है जी। मौसम साहू, कुछ उच्चाधिकारियों से बात करने की कोशिश की आपने? जी मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि कुछ कारणों से काम अटका हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया है।
जी मौसम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर धरातल पर कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर पुल का निर्माण हो जाता है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को तो परेशानी होगी ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो शहरी लोग हैं उनको भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी जो हैं शहर के वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। चूंकि यहाँ पर बाईपास का निर्माण ना होने के चलते शहर की रोडों का उपयोग करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर जाम की स्थिति भी लग जाती है, क्योंकि अगर बाहर से आने वाले लोग और जो स्थानीय लोग हैं वो एक ही सड़क का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाम की स्थिति लगना तो लाजमी हो जाती है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। कोमल जी, क्या कुछ कहेंगे मामले में? लगातार यहाँ पर सड़क को लेकर मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते खराब गुणवत्ता का माल यहाँ पर उपयोग किया गया, जिसके चलते सड़कें जो हैं वो अब गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जी, हम देख रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कम से कम छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम करेगी, लेकिन आज हम जहाँ भी जाए, इवन रायपुर की बात करें, चाहे सरगुजा, बस्तर, कहीं भी जाए, सड़कों की स्तर जो है बेहद खराब है, और इस मामले में प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल है जी। क्या लगता है क्या लगता है आपको, कहां गलती नजर आ रही है? चूंकि यहां पर पुल का निर्माण भी नहीं हो पाया, जिसके चलते बाईपास का अगर उपयोग हो जाता तो शायद शहरी लोगों को इस समस्या से निजात मिलती, लेकिन सर यहां पर शहर के लोग और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो एक ही सड़क का उपयोग करते हैं, जिसके चलते यहां पर सड़क की हालत ज्यादा से ज्यादा यहां पर अब खराब होती हुई नजर आती है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है और करप्शन एकदम चरम पे है। चूंकि 15 साल तक सरकार से बाहर थे कांग्रेस पार्टी के लोग, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हर जगह इन लोगों को कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पड़े हुए हैं। तो अपन बात एक क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी के लोग की नीयत सही रही है, इन लोग केवल करप्शन चाहते हैं और 5 साल में जितना ज्यादा लोग भ्रष्टाचार कर सके उस पे लगे हुए हैं लोग जी। कोमल जी, दूसरी तरफ यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, जनता का आरोप है कि तब भी यहाँ पर जो सड़कें थी उनकी हालत खराब थी, लेकिन बीजेपी की सरकार तो ठीक है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी यहाँ पर सड़कों की हालत ठीक नहीं हुई, सरकार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर विकास जरूर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, विकास होनी चाहिए और प्रदेश की जनता चाहती है कि विकास हो, पर कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार का जो सिस्टम है वो कमजोर है और करप्शन से लिप्त है। हर मसले पे हम देखें कि चाहे सड़क की बात करें, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार की नीयत साफ नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच नहीं पा रही, केवल ऊपर कागजों तक सीमित है, और यदि सरकार चाहे तो लोगों को सही उसका लाभ मिल सकता है, सड़कें अच्छी बन सकती है, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए कोमल जी। अब हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस के सुनील गोस्वामी जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। सुनील जी, क्या कुछ कहेंगे मामले में? लगातार सड़कों को लेकर यहां पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, अगर बाईपास भी बन जाता तो शायद लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती, क्या कुछ कहेंगे? स्थिति तो सही बोल रहे हैं कि सड़क की हालत शहर में बहुत जर्जर हो चुकी है जी, और बरसात के बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर स्थिति आ गई है, और बाईपास का एक प्रस्तावित योजना चल रहा है अपने यहाँ कांकेर में, जो काम जिस कंपनी को टेंडर हुआ था उस कंपनी ने अन्य पेटीडार कंपनी को टेंडर दे दिया था, इसके कारण उसमें कुछ प्रक्रिया में विलंब हुई है। हालांकि अभी श्रीराम एंड कंपनी को काम, जो पेटी ठेकेदार में काम कर रहा है, उसको मिलने से कार्य में थोड़ी गति मिली है जी। सुनील जी, क्या लगता है कब तक काम जो है पूरा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर बाईपास बन जाता है सर तो तमाम जो शहरी लोग हैं उनको भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उसमें समस्या का तो काफी हद तक, सड़क की समस्या कांकेर में बहुत ही ज्यादा है, और एकमात्र सड़क है जो बस्तर संभाग के साथ साथ अपना आंध्र प्रदेश को जोड़ती है जी, और NH सड़क है, बहुत व्यस्त सड़क है, इधर रेल की सुविधा नहीं होने के कारण से भी बहुत ज्यादा यातायात यहाँ का दबाव रहता है, और माइंस
की गाड़ियां भी बहुत चलती हैं, तो कुल मिला के स्थिति ये है कि बाईपास बनने से काफी हद तक उसका निराकरण हो जाएगा। बाईपास में अभी जो स्थितियां हैं कि दो बड़े पुल का वहाँ जो दिख रहे हैं कि जो बड़े पुल उसमें बनना है, तो उम्मीद की जा रही है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगी और उसके बाद कार्य में गति आएगी। सुनील जी, अच्छी बात है कि यहाँ पे बाईपास बनने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, आश्वासन के आधार पर इसे लिया जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों का ये कहना है कि जो रोड बनाई गई है कांकेर में शहरी क्षेत्र में, यहाँ पर 6 से 7 महीने का समय बीत चुका है लेकिन वो उसमें से गिट्टी निकलने लगी और सड़क पूरी तरह से अब खराब हो चुकी है, इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सड़क में जो शहर में जो सड़क बनी है कॉन्क्रीट की सड़क बनी है जी, और जब वो सड़क बन रही थी तो उसको जो निश्चित समय अवधि जो उसकी क्यूरिंग की होती थी वो लोगों ने, क्योंकि बहुत ज्यादा आवागमन उस सड़क से हुआ, इस कारण मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ सड़क की स्थिति गंभीर है और जर्जर हो रही है, उससे लोगों को तकलीफ तो हुई। दूसरी बात उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सड़क बनते समय एक नाली बनना चाहिए था, लोगों ने उस समय नाली बनाने की बात को लेकर विरोध प्रकट किया था, यही व्यापारी, कुछ व्यापारी सहमत थे कुछ असहमत थे जी। तो ये जो स्थितियां उत्पन्न हुई इस कारण से जो रूपरेखा जो योजना वो सही ढंग से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था और तत्कालिक समय में जो स्थितियां थी सड़क की बहुत ज्यादा जर्जर हालत में हो गई थी और डामरी क्रिएट करने से क्या है बार बार एक बरसात में उखड़ रहा था जी। इसलिए हमारे क्षेत्रीय विधायक जी और प्रदेश के स्तर के अन्य नेताओं ने उस सड़क को कांक्रीट सड़क के रूप में शहर को प्रदान किया जी। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आश्वस्त करने के लिए उन यात्रियों को जो बाईपास का उपयोग करने के लिए फिलहाल असमर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर अब तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और जो विधायक से लेकर कांग्रेस के नेता हैं वो आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि बाईपास का निर्माण जरूर होगा, और चूंकि एक ही सड़क का उपयोग कर रहे थे इसलिए शायद यहाँ पर सड़क जो है वो खराब हो गई और सड़क जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गई, लेकिन आने वाले समय में मरम्मत की जाएगी और बाईपास का निर्माण भी होगा, ऐसा कहना है कांग्रेसी नेताओं का। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार इस पर क्या कुछ फैसला होता है, और फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।